विद मामा में आपका स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ राजमा। उसके लिए मैंने 300 ग्राम राजमा रात को फूलने के लिए दे दिया था। पूरी रात हो गई है फूल के। यहाँ पे 3 टमाटर मैंने पीस लिया है। तो ये लहसुन का पेस्ट है, हल्दी पाउडर आधी चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच गरम मसाला और 2 सूखे मिर्च और 2 मैंने प्याज काट लिया है। नमक स्वाद अनुसार आप अपना डालना। और यहाँ पे देखिए तेल ले लिया, कुकर चढ़ा दिया है, ये तेल डाल दूंगी मैं इसमें। ये देख सकते हैं हमारा तेल गर्म हो गया। पहले लाल मिर्च डाल दूंगी। तो ये देख सकते हैं ये प्याज में जा रही है। अब ये प्याज गोल्डन ब्राउन तक पकाऊंगी। तो ये देख सकते हैं हमारा प्याज हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसे बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बस अभी मैं इसमें डालूंगी सारे मसाले। तो पहले लहसुन का पेस्ट, फिर टमाटर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और ये हल्दी पाउडर, नमक अपने स्वाद अनुसार डालें आप। अब इसे अच्छी तरीके से भूंजूंगी जब तक तेल ऊपर ना आ जाए। ये देख सकते हैं हमारा मसाला बिल्कुल भूंज गया। 5 से 6 मिनट इसे भूंजने में लगा मुझे। तेल भी सारा ऊपर आ रहा है। अब इस टाइम मैं डालूंगी राजमा। दो मिनट इसे भूनेंगे। दो मिनट हो गए हैं, हमारा राजमा बिल्कुल भून गया है। अब मैं इसमें पानी डालूंगी। पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालूंगी क्योंकि ये सीटी लगाऊंगी और थोड़ा इसका ग्रेवी पतला सा होता है। अब इसमें जाएगा गरम मसाला और एक धनिया पत्ता। अगर आपको इसे जल्दी कुक करना तो थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दे, नहीं तो फिर धीमी आंच पे 4 से 5 सीटी लगाए, बिल्कुल राजमा पक जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं कि 4 से 5 सीटी लगा दी हूँ मीडियम आंच पे। और ये हमारा राजमा का कलर देखो कितना प्यारा है। और ये देखो बिल्कुल राजमा पक गया है। मैं अभी दिखाती हूँ, देखो। तो हमारा राजमा बिल्कुल बन के रेडी हो गया। आप इसे चावल के साथ इंजॉय करें। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और घर पे बना के ट्राई करें।